हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पीड 16। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इंजन सीज क्यों होता है, क्या कारण है इंजन सीज होने के, इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल काफ़ी बारी पूछा है, तो उनके सवाल का जवाब देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा तो आप क्यों मेरी वीडियो देखेंगे, इनफैक्ट क्यों आप फिर ये ऐसा समझेंगे कि ये चैनल मुझे देखना चाहिए। तो आज इंजन सीज होने के कारण जानेंगे और उसको देखेंगे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण, जो कॉमन कारण है, जो आई थिंक हर इंसान को यहाँ पे पता होगा या फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन को पता होगा, कि इंजन ऑयल अगर आपका लीक हो गया या इंजन ऑयल पुराना हो गया या इंजन ऑयल कम हो चुका है इस वक्त इंजन में, तो इंजन आपका 100% सीज होगा। सीज क्यों होगा? जब भी आपके पिस्टन्स मूव करते हैं एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, वो फ्रिक्शन जब जनरेट होता है लुब्रिकेशन आपका इंजन ऑयल से जाता है। अगर वो लुब्रिकेशन नहीं होगा तो पिस्टन्स आपके जैम होना शुरू हो जाएंगे, रुकना शुरू हो जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो एकदम स्टक अप हो जाएंगे, उस बीच में फंस जाएंगे चैम्बर के जहाँ पे वो मूव करते हैं, और अगर वहाँ पे वो स्टक कर गए तो समझ लीजिए आपका इंजन सीज हो गया। सबसे पहला ये कारण है जो कि कॉमन कारण है और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेरी अगर वीडियो आपने देखी हो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है चेक पॉइंट्स के बारे में, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के वीडियोज़ हैं वो आपको देखनी चाहिए वीडियो, उसमें ये मैंने बताया हुआ है। सो आपको कैसे अवॉइड करना है वो वीडियो ज़रूर देखें। सेकंड वन आता है जो आपको स्टार्टिंग में कंपनी कहती है कि आपको 1000 किलोमीटर पर अपनी कार बिलो 60 या फिर मिनिमम स्पीड पर, मिनिमम टॉर्क पे आपको चलानी है। गाइस, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी कार को अब्यूज़ कर रहे हैं, अपनी कार को की लाइफ आप कम कर रहे हैं अगर आप ये नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा, मैं वही बताऊँगा आज आपको। गाइस, अगर आप कार स्पीड में चलाते हैं उस कंडीशन में जब कार नहीं आती है, कार जब नहीं होती है तो इंजन अपनी अलाइनमेंट कर रहा होता है, ऑल्दो कंपनी आपको प्रॉपर अलाइनमेंट करके देती है, बहुत अच्छे से असेंबली करके देती है, और कंपनी हर उस चीज़ का ख्याल रखती है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, बट जब रोड कंडीशन पे कार आती है तो एक डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। सिटी में कहीं आपका डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, गड्ढे ज़्यादा होंगे, कार आपकी स्पीड में चलेगी, तो वो जो कंडीशन है वो आपको कंपनी ऐसा नहीं है कि आपको 100% करके देगी, वो डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाएगी और आपकी कार की कॉस्ट बढ़ जाएगी उस कंडीशन में। तो कंपनी ये नहीं करती, आपको रिकमेंड करती है कि आप इस स्पेसिफिक कंडीशन पे अपनी कार को रन करें, ठीक है। कुछ कंपनी कुछ सर्टेन पैरामीटर्स तक आपकी टेस्टिंग करके देती है। सो गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी नई कार हो आपको स्लो चलानी है। अब स्लो क्यों चलानी है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, हमारा इंजन है, इंजन में चैम्बर है, चैम्बर में आपके पिस्टन्स मूव करते हैं, क्रैंकशाफ्ट उससे रोटेट होती है, आपकी चलती है। तो गाइस, अब क्या होता है, जब आपके पिस्टन्स मूव करते हैं तो एक वियर एंड टियर होता है, जब इनिशियली फ्रिक्शन जनरेट होती है, लुब्रिकेशन होने के बाद वो नहीं होता। सेकंड क्या है कि आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर चिप्स पार्टिकल हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि कंपनी उनको हटाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी नॉर्म्स कंपनीज के होते हैं और वो करते हैं, बट फिर भी ये मैन्युफैक्चरिंग कहें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो चिप्स, वो जो मेटल पार्टिकल्स हैं वो आपके ज़रूर मिलेंगे आपको। सो क्या होता है, जब आपकी कार रन करती है वो चैम्बर में नीचे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं फ्लूड के साथ, जो आपका इंजन ऑयल है वो बैठना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप नॉमिनल स्पीड पे उसको चला रहे हैं तो वो अपनी उसी जगह पर बैठे रहेंगे, उनको एक फोर्स नहीं मिलेगा, उनको पंप नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा तेज़ उनको कार को चलाएंगे तो आपका जो पिस्टन है वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू होगा, और जब वो मूव करना शुरू होगा तो वो पंप होना शुरू हो जाएगा, उसका फ्लो रेट बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी आपके इंजन ऑयल की। अगर वो विस्कोसिटी बढ़ेगी तो वो जो चिप्स पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, जो मेटल वियर एंड टियर हुआ है वो उसके साथ फ्लो करना शुरू कर देगा। अब वो फ्लो शुरू करेगा
इंजन ऑयल के साथ तो आपके पिस्टन्स और चैम्बर का जो क्लियरेंस है उस बीच में वो आना शुरू हो जाएगा, और जब वो उस बीच में आना शुरू होगा तो आपका जो क्लियरेंस होता है वो माइक्रोन्स में होता है, माइक्रोन्स का खेल है। तो माइक्रोन्स में वो चिप्स आना शुरू होंगे तो वो स्टकअप होना शुरू हो जाएगा, आपकी क्लियरेंस कम कर देंगे और फ्रिक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। सो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो क्लियरेंस कम हुआ है, उस क्लियरेंस कम होने की वजह से आपका पिस्टन रुक रुक के चलना शुरू कर देगा और हो सकता है कि वो आपका सीज भी कर दे उसको। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कार नहीं हो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, उसको स्लो चलाएं। सेकंड, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो सीज होने से रिलेट नहीं करती बट आपके इंजन की लाइफ डिसाइड करती है। रिकमेंडेड ऑयल, जो कंपनी आपको रिकमेंड करती है ऑयल, वो ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए। लाइक हाई विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी, दो तरीके के होते हैं जो आपको सर्विस सेंटर वाले कहते हैं, एक में एक छल्ला दो छल्ले बन रहे हैं, तो वो विस्कोसिटी का सारा गेम है। सो गाइस, उसमें क्या होता है कि अगर आपका लो विस्कोसिटी ऑयल है वो आपका जल्दी हीटअप होगा और सिटी कंडीशंस में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा, इंजन को जल्दी गर्म करेगा, बट लॉन्ग रन में वो आपको उतना सपोर्ट नहीं करेगा इंजन में, ये आपको ध्यान रखना है। सो जब भी अगर आप सिटी कंडीशन में चला रहे हैं तो लो विस्कोसिटी ऑयल अच्छा होगा जो आपको कंपनी रिकमेंड कर रही है। सेकंड, जो आपको सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि सर हाई विस्कोसिटी, ज़्यादा छल्ले वाला है, ये है वो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका बेसिकली जो इंजन है, इंजन ऑयल है, वो आपका जैसे हिली एरिया हो गया या फिर लॉन्ग रन में हो गया, वो आपको अच्छा सपोर्ट करेगा इंजन में। तो ये कुछ इंजन के हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है, ये पॉइंट्स हैं। बट हाँ, जब भी इंजन ऑयल ख़रीदें उसको ज़रूर चेक करें वो किस क्वालिटी का है, किस तरीके से बना है, क्या कंपनी है। ऐसा नहीं मैंने कह दिया और आपने उसको समझ लिया और आपको किसी ने भी कहा कि ये इंजन ऑयल ये है और हाई विस्कोसिटी है, बट आपको देखना ज़रूर है कि क्या है वो, किस तरीके का है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अवेयर रहेंगे, तो आपको ना तो सर्विस सेंटर वाले चीट कर पाएंगे, फूल मतलब आपको बेवकूफ़ बना पाएंगे। दूसरा क्या है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए जब भी आप अपनी कार सर्विस सेंटर पे लेके जाएं। उस सर्विस सेंटर रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, आपको ज़रूर देखिएगा, जल्दी मैं वीडियो लाने जा रहा हूँ कि आपको कैसे अवॉइड करना है अननेसेसरी के पैसे जो आप सर्विस सेंटर में देके आते हैं। सो गाइज, मेक श्योर वीडियो आप सर्कुलेट करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी अवेयरनेस हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो अपनी कार की लाइफ को बरकरार रखें, इंजन की लाइफ। कार की लाइफ आपकी इंजन की लाइफ के से बनती है, अगर वो लाइफ आपने बना ली तो समझिए आपकी कार लॉन्ग रन में अच्छी चलने वाली है। सो गाइस, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाने का, और अगर नहीं करेंगे तो फिर भी मैं जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बनाऊँगा आपके लिए। कर दो यार, क्या हुआ, सब्सक्राइब ही तो करना है। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।